Hi, Hodophiles, what's up? Welcome back to the channel. वो सामने है एडवेंचर शॉप और मैं यहाँ आया हुआ था एडवेंचर शॉप पर. क्या लेना है? स्टोव, लाइनर और पॉट. ये पॉट्स हैं, इसमें लाइनर्स हैं और ये स्टोव है. ये मैं आपको अब जाके दिखाऊंगा, घर पर जाके आपको मैं दिखाऊंगा, क्योंकि आपका भाई जो है ना वो हाइकिंग की तरफ मुतवज्जा हो चुका है. तो इसलिए ये कुछ इसेंशियल इन्वेस्टमेंट थी जो करना ज़रूरी था. ये वैसे इस शॉप का एड्रेस जो है ये चबुर्जी के साथ बिल्कुल एक रोड आता है. अगर आप इसको गूगल मैप पे करेंगे तो फिर भी आ जाएगा, अगर आपने नहीं करना तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है जावेद साहब का, वो आपको बड़े अच्छे मुनासिब रेट पर ये चीज़ें दे देंगे. इसके अलावा हाँ, कैंप भी चाहिए हो, स्लीपिंग बैग चाहिए हो, इस तरह का हैवी स्टफ़ अगर आपको चाहिए हो तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं. लोकेशन आपने देख लिया, ये इसकी लोकेशन है. वो सामने चबुर्जी है और कॉर्नर पे क्या है निशानी इसकी, पता नहीं, कोई निशानी नहीं है, ऐसे ही है. ये निशानी है सर्विस के साथ है, ठीक है. तो अब मैं घर जाता हूँ, फिर मैं आपसे घर जा कर मिलता हूँ. इन चीज़ों की अनबॉक्सिंग करते हैं और थोड़ा सा इन चीज़ों की डिटेल आपको मैं बताता हूँ, ठीक है. घर पहुँच गया हूँ मैं और अब मैं आपके सामने देसी अंदाज में उन चीज़ों की अनबॉक्सिंग करता हूँ जो मैंने ली हैं, ठीक है. क्योंकि मैंने अपनी बाइक बेच दी है तो बाइक बेचने के बाद आई हैव, ठीक है, तो मैं सोच रहा था कि मैं अपनी कुछ चीज़ें अपग्रेड कर लूँ. कैमरा इक्विपमेंट भी है लेकिन उसके साथ साथ कुछ और चीज़ें भी हैं. तो क्योंकि मैं हाइकिंग करना चाह रहा हूँ बाइकिंग के साथ साथ, बाइकिंग, हिच हाइकिंग, हाइकिंग, वॉकिंग, साइकिलिंग, ब्ला 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 ब्ला, यहाँ तक जाऊँगा, काफ़ी कुछ है. तो उसके लिए मैं बताता हूँ मैंने क्या लिया. क्या ये, सबसे पहले तो मुझे लाइनर चाहिए था काफ़ी देर से और मैं थोड़ा सा ढीला भी था. फिर मैं एक दफ़ा गया था, मुझे मिला नहीं, तो इस दफ़ा जब मैं गया तो मुझे मिल गया, ठीक है. तो ये बिल्कुल बड़ी स्किनी से कपड़े होते हैं, इनको बेस कहते हैं, ठीक है. और ये पहनते हैं अगर आप हाइकिंग कर रहे हो, ठीक है, और कोई भी ऐसी स्पोर्ट्स जो जिसमें बहुत ज़्यादा सर्दी हो, और हाइकिंग कैंपिंग आप उसके नीचे कपड़ों के पहन लेते हैं. ये जो है ना इंसुलेटर का काम करते हैं, आपकी जो बॉडी की हीट है वो बाहर नहीं निकलती, इस तरह का सीन बन जाता है इनके साथ, ठीक है. ये चला गया इधर. ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि मैंने ये लिया और मैंने उन्हें कहा कि जावेद साहब को कि मुझे ये दो दे दें, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा ठंड में जाना होता है. प्लस हाइकर्स जो होते हैं ना वो सिर्फ पैदल चल रहे होते हैं और जो बाइकर्स हैं उन्होंने बाइक भी चलानी होती है तो ज़्यादा हवा लगती है ठंडी. तो उन्होंने फिर मुझे वो दी कि आप इसके नीचे वो पहन लें तो आपका काम अच्छा चल जाएगा, ठीक है. ये अगर आप देखें तो ये उससे मोटी है और हैवी लग रही है, ठीक है, हैवी ड्यूटी टाइप चीज़. ओके, तो अब ये जो है जब आपका भाई पहाड़ों में होएगा तो आपके भाई ने नीचे ये पहनना होएगा और उसके ऊपर बाकी कपड़े जो है ना वो फिर कम पहनने पड़ते हैं. द होल पॉइंट इज़ कि बाकी कपड़े कम पहनने पड़ते हैं. इन सब की प्राइस जो है ना वो मेरे ख्याल से ये 2500 का है, 2500, और ये वाला जो है ये कोई 850 का शायद. यार रुको, मैं रसीद लेके आता हूँ. हाँ, बेस लेयर अंडर आर्मर ये वाली 2500 की है, बेस लेयर हाईटेक वो नीचे वाला जो वो 1000 रुपये की है. फिर ये टॉर्च है, लाइट है, ये 285 रुपये की है. और ये क्या करती है, लेट मी शो यू गाइस. ये भी अभी नहीं है, इसमें सेल नहीं है, ठीक है. तो जब ये ऑन होगी तो यहाँ से चल जाएगी, सही है. और इसको ऐसे आप खोलते हैं, 3 सेल डालते हैं बीच में छोटे, और इसको ऐसे आप बंद कर देते हैं, ठीक है. अभी इसको भी चेक करेंगे जब हम जाएंगे तो सही हो गया. गैसोलीन स्टोव 5000 रुपये का है और कुकिंग पॉट जो होते हैं वो 1600 रुपये के हैं. और यस, ठीक है, ये चीज़ें ये 1600 रुपये की हैं. और इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है
वो हे यार, ये जो चीज़ें ना ये बड़ी बेसिक सी हैं, इसमें बहुत ज़्यादा एडवांस चीज़ें भी होती हैं जो कि बहुत महंगी होती हैं, ठीक है। अगर आप कहें कि इतने यार ये इतना महंगा है, तो ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। इससे महंगी महंगी चीज़ें होती हैं जो पाकिस्तान में मिलती नहीं हैं, इसलिए ये पाकिस्तान के लिहाज से दिस इज़ नॉट वेरी एक्सपेंसिव बट इट्स गोइंग टू बी वेरी यूज़फुल। ये अंडा वगैरह और ब्रेड गर्म करने के लिए, बनाने के लिए, और इसमें अगर आपने सालन वगैरह बनाना हो तो फिर आप बना सकते हैं, नूडल्स, सालन, कोई भी लिक्विड, ज़्यादा चीज़ बनानी हो तो यार आपको पता ही है, ठीक है। और ये पैक भी इस तरह होती हैं चीज़ें कि ये थोड़ी सी स्लिम स्लिम स्मार्ट पैकिंग रहे, ठीक है। बाद में करता हूँ ना इसको। सबसे मेन चीज़ जो है ना वो ये है, ये आप गूगल करेंगे तो आपको वैसे नज़र आ जाएगा, ये हर जगह पे ऑलमोस्ट यही यूज़ होता है पाकिस्तान में, क्योंकि इतनी वैरायटी नहीं है। बहुत अच्छी जो कंपनीज की चीज़ें हैं ना, प्रोडक्ट्स, वो यहाँ नहीं मिलती हैं आपको, और वो आपको इंपोर्ट करवानी पड़ती हैं, और इंपोर्ट का इज़ अ मैस, थोड़ा सा मैस होता है। तो अभी के लिए आई हैव परचेज दिस, मेरे ख्याल से ये काम करेगा। इसमें फ्यूल डलता है, पेट्रोल डलता है इसमें, गैस वाला नहीं है। गैस वाला मुझे रिकमेंड नहीं किया जावेद साहब ने, तो मैंने कहा चलो ठीक है, ये नॉब है तेज़ स्लो करने के लिए, ये प्रेशर बनाते हैं पहले आप ऑयल डालकर, फिर ऑयल यहाँ से ऊपर निकलता है, फिर आप इसको आग लगा देते हैं, और इसके ऊपर आपका ये देखें, लेट मी शो यू गाइस, ये पॉट आपका इसके ऊपर चला जाएगा, ठीक है। आप खाना बनाएं और इन्जॉय करें लाइफ को। ये जब आप रखते हैं तो इसके साथ आपने कोई ऐसी सपोर्ट रखनी होती है कि हवा ना लगे, वो भी मैं बना के लेके जाऊंगा। मेरे ख्याल से वो रिफ्लेक्टर होता है इसका, या वो सिल्वर से जो जो होती है, मुझे भूल गया उसका नाम, एनीवेज वो हीट को रिफ्लेक्ट कर देती है, ठीक है, हवा भी नहीं आती। तो इस टूर पर ये चीज़ जो है ये टेस्ट होगी, क्योंकि मैं इस टूर पर कैंपिंग कर रहा हूँ मुनासिब मकदार में, और उस कैंपिंग के दौरान जो है मैं अपना खाने का भी सोच रहा हूँ कि मैं ख़ुद करूँ, जहाँ जहाँ मैं कर सकूँ और जहाँ जहाँ मेरा दिल करे, ठीक है। तो उस काम के लिए जो है ना वो ये चीज़ें ज़रूरी थी। अभी ये चीज़ें वैसे कितने की आई हैं टोटल, ये तकरीबन 11,500 रुपये की हैं, और इसके बाद अब और भी मैंने कुछ चीज़ें ख़रीदनी है, वो अगली वीडियोज़ में आप देखेंगे। दोज़ आर गोइंग टू बी एक्सपेंसिव थिंग्स, लाइक महंगी चीज़, एक महंगी चीज़ है जो मेरे ख्याल से कल की वीडियो में देखेंगे या परसों की, या देख लेंगे आप। और ये चूँकि चीज़ें मैं ख़रीद चुका हूँ, और अब मैं ये वीडियोस बस बना रहा हूँ, जैसे ये वीडियोस ख़त्म होंगी तो मैं फिर टूर के लिए निकल जाऊँगा। और लास्ट वीडियो में कुछ लोगों ने गेस किया हुआ है कि आप हीरो 7 ले रहे हैं, फ्यूजन ले रहे हैं, ड्रोन ले रहे हैं, तो चलो ठीक है, देखते हैं कि क्या लेता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से अच्छी चीज़ होगी। और मैं उसकी वीडियो सोच रहा था कि उसको ऐसे नहीं बनाऊँगा, लाइक उसको, लाइक उसको यूज़ करके कुछ दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है फिर, अभी के लिए इतना ही है। अच्छा एडिशन है, अगर आप कैंपिंग कर रहे हैं तो आपको भी ये चीज़ें ले लेनी चाहिए, नॉट बैड, ठीक है। चलो, आई विल सी यू गाइस अगेन टुमारो 5 PM।